हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी में, जिसका नेम है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आज इसके बारे में अच्छे से पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में पूरा बनी रहिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है। ये आपको अगर डायग्राम पता है, इस डायग्राम में जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो सभी हमें पढ़ने हैं। तो ये केंद्र और राज्य दोनों का डायग्राम है, तो इसको दोनों को साथ में लेके ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि संसद के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं, फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी तरीके से राज्य के भी तीन अंग होते हैं, जिसे हम कहते हैं विधानसभा, सेकंड है विधान परिषद और थर्ड होता है राज्यपाल। ठीक है, कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। राज्यसभा, लोकसभा में तो आपको पता है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद लोकसभा के ऊपर हमने यहाँ पे महान्यायवादी बनाया। इसी तरीके से राज्य, अभी महान्यायवादी के बारे में हम पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार। इसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता होता है। एक संसद में जो कैग होता है, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जांच पड़ताल करने का काम करता है। इसी तरीके से राज्य में ऑडिटर जनरल होता है, जिसे हम AG कहते हैं। संसद में कौन होती है? न्यायालय का नाम क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से राज्य के न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो ये दोनों का डायग्राम है, इसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो इजीली आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद हमारा अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करती है। तो फर्स्टली इस डायग्राम को और देखिए, इस डायग्राम से आपको थोड़ी चीज़ क्लियर होगी कि देखिए सबसे ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, उससे नीचे जो उसका अधीनस्थ न्यायालय होगा, या फिर हम कह सकते हैं उससे नीचे का जो न्यायालय है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, यानी उच्च न्यायालय, जो कि किस में होता है? राज्य में होता है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय, ये कहाँ होगा? ये केंद्र में होगा, मतलब पूरे देश के लिए जो न्यायालय न्याय का काम करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, राज्य में जिसका काम होगा वो उच्च न्यायालय होगा। इसी तरीके से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो आता है वो जिला न्यायालय आता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत दो न्यायालय आते हैं जिला न्यायालय, पहला है दीवानी न्यायालय और दूसरा है फौजदारी न्यायालय। उसके बाद दीवानी न्यायालय में भी हमारा, उसके नीचे भी क्या आते हैं? मुंसिफ आते हैं, और फौजदारी न्यायालय में SDM का दंडाधिकारी आता है। और सबसे नीचे की जो इकाई है उसे हम प्रधान कहते हैं, जो कि हमारे ग्राम स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम आया समझ में? इस डायग्राम से थोड़ी सी चीज़ ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में दो आते हैं, दीवानी फौजदारी, दीवानी में मुंसिफ और फौजदारी में SDM। और सबसे नीचे की जो न्याय की इकाई होती है, जो ग्राम स्तर पर होती है, जिसे हम प्रधान कहते हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम था। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वो 1950 में हुआ था, और सबसे पहले और इसका गठन जो हुआ था वो 1773 के एक्ट से हुआ था। कलकत्ता में सबसे पहले इसका गठन किया गया था। भारत में न्यायिक स्तर पर सर्वोच्च संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय काम करती है। तो हमने बताया था सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? पूरे भारत के लिए काम करेगी। और अगर हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो वो सिर्फ अपने राज्य में ही काम करेगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में किसका वर्णन है? सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठती है, न्यायाधीश का मतलब होता है जो जज बैठती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है, जिसमें से एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 30 होती हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक है, मतलब एक मेन होता है उसमें से, बाकी 30 क्या होती हैं? अन्य न्यायाधीश होती हैं। तो याद रखने वाली क्या बात थी? सबसे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो आर्टिकल 124 में है, न्यायाधीशों की संख्या इसमें कितनी होती है? 31 होती है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ गठित किया गया था? कलकत्ता में गठित किया गया था। ठीक है, अब इसकी योग्यताएँ देखते हैं कि जो इसमें न्यायाधीश हैं उनकी योग्यताएँ क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक और योग्यता नहीं रखेंगे तो कोई विदेशी आकर भी हमारे इंडिया में क्या कर सकता है? राज कर सकता है। ऑब्वियसली वो राष्ट्रपति भी बन जाएगा ऐसे तो, अगर ये ये
ये आपके पास क्या हो, एक पॉइंट नहीं होगा तो ठीक है। तो इसलिए मेंशन हर चीज़ में पहला ये होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है कि कम से कम 5 साल तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकालत कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय, मान लीजिए क्या, सर्वोच्च न्यायालय की ही हम बात कर रहे हैं, उनकी न्यायाधीशों के लिए क्या होना चाहिए, उसके अधीनस्थ न्यायालय, उसका अधीनस्थ न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय में 5 साल तक क्या हो, वो न्यायाधीश यानी जज के रूप में रहे हो या फिर 10 साल से वकील रहे हो। तो ऐसी कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तब वो क्या हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में आने के क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो ये जो योग्यताएं थी, ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होती, परंतु अधिकतम आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, देखिए जो 5 साल पूरी कर लेगा न्यायाधीश की या फिर 10 साल वकालत वाली पूरी कर लेगा तो वो मतलब कैपेबल हो जाएगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। इसलिए न्यूनतम आयु कोई भी नहीं है, पर अधिकतम आयु क्या दी गई है इसमें, 65 ईयर्स अधिकतम आयु दी गई है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद नियुक्ति देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है आखिरकार, ठीक है, किसके द्वारा होती है। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम के द्वारा होती है। कॉलेजियम में क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ कौन से जो वकील है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल जज में अच्छा प्रदर्शन किया है बहुत ज़्यादा, या फिर 10 साल तक उन्होंने क्या किया, वकालत में बहुत अच्छा किया है, तो उनको एज अ प्रमोशन में वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना देते हैं। परंतु नियुक्ति के बाद इन न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। तो याद रखिए पद की शपथ न्यायाधीशों को कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाई जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए क्या होता है, जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम में कॉलेजियम का नाम नहीं दिया जाता, उसमें ऐसे आ जाता है कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि नियुक्ति अगर एग्जाम के पर्पज से आप सोच रहे हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन जो मेन बात है ना वो कॉलेजियम के द्वारा होती है, जिसमें 4 लोग होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि कौन जो अच्छा न्यायाधीश है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसका प्रमोशन होना चाहिए, ऐसा वो सर्वोच्च न्यायालय का उन्हें न्यायाधीश बना देते हैं। बट याद ये रखने का कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इनकी शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं। इसके बाद इनके वेतन और भत्ते देख लेते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने मिलते हैं, 2,80,000 रुपये मिलते हैं, और जो बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश होता है ना, बाकी 30 तो अन्य होते हैं, उन्हें मिलते हैं 2,50,000 रुपये। इसके अलावा कुछ उन्हें भत्ते भी दिए जाते हैं। अब इनके देख लेते हैं कार्य और शक्तियां क्या होती हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो कार्य इनका वर्णन किया गया है, कार्य और शक्तियों का, वो अनुच्छेद 131 में दिया गया है, ठीक है। देखिए जो मेन मेन अनुच्छेद है ना, आपको वही पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे तो अनुच्छेद बहुत है, लेकिन जो मेन है ना आपको वो जरूरी याद रखना है, क्योंकि देखिए इतना तो याद रखना ही पड़ेगा ना। तो कार्य और शक्तियां जो है वो किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन दिया गया है। तो कार्य में सबसे पहले आता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। इसमें क्या है कि इस क्षेत्र अधिकार में अनुच्छेद 132 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, एससी का मतलब हो गया, देखिए एससी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसे समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी अंतिम आदेश, ऐसे अंतिम आदेश जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय ने दिया हो उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो क्या है, पूरा बिल्कुल पूरे भारत का न्यायालय है ना, अगर उच्च न्यायालय में किसी केस के क्या हो गया, किसी केस पे हम किसी ने क्या कर दिया, वहां पर आदेश दे दिया है न्यायालय ने, तो आप उसके विरुद्ध क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो ना, क्योंकि उच्च न्यायालय उसके नीचे न्यायालय आता है, सर्वोच्च न्यायालय तो पूरा सबका क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बाप है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 143 में किया गया है। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक मुद्दे पर आप सलाह मांग सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसके अनुसार ये होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर सलाह मांग सकती हैं। तो दूसरा क्या है इसका, परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार, परामर्श का मतलब क्या हो गया, सलाह देना, और राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी ये करता है आर्टिकल 143 के अनुसार। उसके बाद तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन,
पुनर्विलोकन, इसका अर्थ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की स्वयं समीक्षा कर सकता है, अर्थात यदि कोई कानून लोगों के मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करता है तो उस कानून को निरस्त कर सकता है। मतलब एक तरीके से अगर व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा होगा या उनको वो फुलफिल नहीं हो रहे होंगे या ऐसा कोई कानून बन गया होगा कि जो उनके मौलिक अधिकार को कम कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो उस जो कानून बना है उसको निरस्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट ये आता है कि अभिलेख न्यायालय, इसमें क्या है कि इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय निचली अदालत के लिए अभिलेख का काम करते हैं। देखिए, अगर निचली अदालत में कोई निर्णय आ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। कोई भी न्यायालय जो उसके अधीनस्थ में आता है, चाहे उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय हो, वो उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ी संस्था अगर एक निर्णय दे देती है तो छोटी छोटी जो संस्थाएँ होती हैं उनको ये अधिकार नहीं होता कि वो उसके विरुद्ध अपील कर सके। लेकिन अगर छोटी संस्था ने दे दिया, कोई आपको आदेश दिया है, तो बड़ी संस्था उसके विरुद्ध अपील कर सकती है। तो ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे सारे टॉपिक्स, और अगर अच्छी आपको लग रहा हो तो बहुत सारा इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही रोज बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।